Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. So today we shall discuss the problems based on PTest and comparison test in real analysis. तो PTest और comparison test क्या है ये हमने previous lecture में discuss किया हुआ है, उस पर examples भी हमने किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 1 by n का power p ये एक series, p series है. जब इसमें p आपका greater than 1 होता है तब ये convergent होता है, लेकिन p less than or equal to 1 होता है तब ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाता है. और दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई सीरीज un है तो आप एक vn चूज करते हैं, फिर अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un by vn अगर नॉन जीरो फाइनाइट आ जाता है तो उस केस में समेशन un एंड समेशन vn जो है साइमल्टेनियसली कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट करते हैं. दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है. तो इस तरीके से हमने ये दो चीज़ें डिस्कस करा था, कंपैरिजन टेस्ट एंड पी टेस्ट. बट नाउ वी शैल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन IITjam 2009, वो भी 6 मार्क्स में. ठीक है, उस समय डिस्क्रिप्टिव होता था. ठीक है, तो 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था. एंड वन मोर क्वेश्चन NBHM 2007 में ये 3 सीरीज दे दिया गया एंड देन यू आर आस्क्ड वेदर इट इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीरीज आपको एक गिवन है, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई n माइनस 10 इनवर्स 1 बाई n होल टू द पावर a, देन दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर विच वैल्यू ऑफ a, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपका जो गिवन सीरीज ये क्या है, समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 1 बाई एन माइनस टेन इनवर्स 1 बाई एन एंड होल टू द पावर ए. तो देखिए, आपको एक एक्सपांसन फॉर्मूला याद होगा टेन इनवर्स एक्स का, जो कि क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 एंड माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 एंड सो ऑन. इस तरह की चीज़ें होती है. ये एक्सपांसन फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत होगी. सो दिस बिकम्स समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 1 बाई n माइनस टेन इनवर्स 1 बाई n. सो इन प्लेस ऑफ x वी शैल पुट 1 बाई n. सो इट बिकम्स 1 बाई n माइनस 1 बाई n क्यूब इंटू 3. वाई? बिकॉज x क्यूब इज हेयर, सो 1 बाई n का क्यूब and in the denominator 3 and plus 1 by n to the power 5 into 5 and so on. Okay, or is pure ka power, we have used this so we can. Okay, now ye ho gaya 10 inverse 1 by n ke jagah pe ye infinity tak jayega aur is pure ka power a. theek hai, ab dekhiye ye kya ho jayega, summation n from 1 se infinity 1 by n minus 1 by n and minus minus plus 1 by 3 n cube and minus plus minus 1 by 5 n cube, all right, 5 n to the power 5 and plus kya ho jayega 1 by 7 n to the power 7 and so on whole to the power a. theek hai, isse ye chala gaya, 1 by n to 1 by n cancelled out, इट बिकम्स समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी क्या आ रहा है, 1 बाई 3 एन क्यूब माइनस 1 बाई 5 एन टू द पावर 5 प्लस 1 बाई 7 एन टू द पावर 7 एंड सो ऑन होल टू द पावर a. अब क्या करेंगे हम लोग, अब कॉमन ले लेते हैं समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी. ठीक है, यहाँ पे पावर में a भी है तो आप 1 बाई 3 टू द पावर a n टू द पावर 3 a. क्या हुआ भाई, 1 बाई 3 n का पावर 3 है, सो दिस हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट बट द पावर इज हेयर, सो पावर विल अपियर एट हेयर 3 टू द पावर a एंड n क्यूब टू द पावर a. सो इट बिकम्स 1 बाई 3 टू द पावर a इंटू n टू द पावर 3 a.
and this is what 1 minus. Now you can see 3 here. Why? Because you have taken 3 outside. So 3 is here. So 3 will be appear everywhere in the numerator. So it becomes what? Now it becomes 5 into n to the power n square and plus 1 3 by 7 and n to the power 4 and minus so on to the power a. So now you have this un. Okay, so call this as your un. ठीक है, दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए मैं इस पूरे को ऐसे लिख रहा हूं. सो दिस इज योर यू एन, ये आपका यू एन है. अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन टेस्ट लगाना है. तो एक वी एन चूज करना है. ठीक है, एक वी एन चूज करना है. तो चूज कीजिए वी एन. देखिए वी एन चूज करने का देर इज नो एनी परफेक्ट आइडिया, बट वी यूज टू चूज वी एन by taking the highest power in the numerator. तो इसमें तो सारा constant है numerator में, तो 1 ले लीजिए. And the highest power of n in the denominator, जो कि क्या है, n का power 3a है. तो ये आपका un हो गया, ये पूरा, ये जो आपको bracket में दिख रहा है, उसके लिए हमने ये vn choose किया है. अब comparison test कब काम करेगा? Comparison test तब काम करेगा जब limit n tends to infinity un upon vn एक नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए. तो अब हम लोग क्या करेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन कैलकुलेट करेगा. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हाट इज योर यू एन, 1 अपॉन 3 टू द पावर ए एन टू द पावर 3 ए इन टू 1 माइनस 3 अपॉन 5 एन स्क्वायर एंड प्लस 3 अपॉन 7 एन टू द पावर 4 एंड माइनस एंड अपॉन vn is what, 1 upon n ka power 3a, so 1 upon n to the power 3a. All right, so this is your limit n tends to infinity, this is your un, this is your vn. So now you can see this and this will be cancelled out completely. 1 by n ka power 3a se 1 by n ka power 3a chala jayega. Theek hai, aur n tends to infinity jab aap lagaoge, n tends to infinity, n tends to infinity, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 3 का पावर a है, तो 1 बाई 3 का पावर a बचेगा और इस ब्रैकेट में सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है. तो 3 अपॉन इन्फिनिटी, 3 अपॉन इन्फिनिटी, ये सब जीरो हो जाएगा. तो आपको यू एन अपॉन वी एन ये आपको क्या मिला, नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड फाइनाइट, क्योंकि a आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है a इज. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 बाई 3 ए नॉट इक्वल्स टू जीरो मिल गया. एक्चुअली हमें यह निकालना है कि a किस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a के लिए यह सीरीज कन्वर्जेंट होगा, ये निकालना है. तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चूज अ वी एन एंड देन फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन एंड इफ योर दिस लिमिट इज गोइंग टू बी नॉन जीरो फाइनाइट देन. तो यहां पे नॉन जीरो फाइनाइट आ गया है, देन समिशन यू एन एंड समिशन वी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली. तो यहां से समिशन यू एन एंड समिशन वी एन एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा. तो अब यहां से जो सारा गेम प्ले करेगा, जो भी खेल करेगा, वो समिशन वी एन करेगा. ठीक है, और समेशन वी एन आपका क्या था, समेशन 1 बाय एन का पावर 3 है, यही था ना. तो अब नाउ दिस सीरीज इज, इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट देन आवर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड इफ दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट देन दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट. एंड बाय पी टेस्ट वी नो दैट 1 अपॉन एन टू द पावर पी का समेशन इज कन्वर्जेंट if p is greater than 1. So using this p test, what can you say, that summation vn is convergent if
p is greater than 1, so here is p, so 3a is greater than 1, so this means a is greater than 1 by 3, so this implies a belongs to 1 by 3 to infinity. So for this values of a, for this positive values of a, summation vn is convergent, and by comparison test summation un is convergent if a lies between 1 by 3 to infinity. Why? क्योंकि हमने vn choose किया और limit n tends to infinity un by vn निकाला, non-zero finite आ गया. तो अब जो convergency और divergency है summation un और summation vn का, वो simultaneously होगा. तो यहाँ पे अगर summation vn convergent तब होता है जब a 1 by 3 से infinity के बीच lie करता है, तो summation un भी convergent तब होगा जब a 1 by 3 से infinity के बीच lie करेगा. इसका मतलब आपका जो यहाँ पे option D है, यह option D बिल्कुल सही option है. ठीक है. और अब आप कहिएगा कि ऑप्शन सी भी तो ऐसा लग रहा है. तो देखिए, ऑप्शन सी में 1 बाई 3 शामिल है, और अगर आप ए के जगह पे 1 बाई 3 लीजिएगा तो 1 बाई एन आ जाएगा, जो कि डाइवर्जेंट सीरीज है, इसीलिए इसको तो बिल्कुल नहीं लेंगे. ठीक है. और ये सब भी नहीं होगा, आपका एक ही ऑप्शन होगा 1 बाई 3 से इन्फिनिटी, जिसमें 1 बाई 3 शामिल नहीं है. तो आई होप यू गेट इट. और अब हम NBHM का वो क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत खूबसूरती से रखेंगे. तो वंस अगेन, बाय यूजिंग पी टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट, वी हैव टू डिसाइड वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. तो इसमें तीन सीरीज दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि ये इसमें से कौन सा कन्वर्जेंट है, कौन सा डाइवर्जेंट है. तो पी टेस्ट और उसके साथ साथ जो कंपैरिजन टेस्ट है उसी का यूज करके डिसाइड होगा. तो सबसे पहले तो चूज अ वी एन. तो वी एन कैसे चूज करते हैं? न्यूमरेटर में हाइएस्ट पावर एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर, यही ना. तो इसमें न्यूमरेटर में अंडर रूट एन स्क्वायर, बाकी सबको छोड़ के, अब डिनोमिनेटर में एन का हाईएस्ट पावर सिर्फ लेते हैं, तो अंडर रूट एन क्यूब. तो ये आपको क्या मिल जाएगा? एन अपॉन एन अंडर रूट एन, मतलब वन बाई अंडर रूट एन मिला है. तो समेशन वी एन आपका समेशन वन बाई रूट एन होगा. ठीक है. अब यहाँ से क्या करना है, हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन निकालना है. और अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट आ गया, अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट आ गया, तो समेशन वी एन ही डिसाइड करेगा समेशन यू एन का कन्वर्जेंसी. अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट नहीं आया तो फिर कंपैरिजन टेस्ट फेल कर जाएगा. तो देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन आपका क्या है? अंडर रूट 2n square plus 3 and upon 5n cube plus 7. And vn क्या है? 1 by root n, है ना. तो अब इस root n को भी सबसे ऊपर इसमें shift हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? Limit n tends to infinity and under root 2n square plus 3 into n and upon 5n cube plus 7. समझ में आया कैसे? ये जो अंडर रूट n है, ये हो जाएगा ना, जैसे ये होता है a by b by c by d, तो ये क्या हो जाता है? a by b into d by c, वही चीज यहाँ पे कर दिए हैं. तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो सबको ये ले लिया. अब यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट, इसमें से आप n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी रहता है तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं. तो ये हो जाएगा n क्यूब इंटू 2 प्लस 3 बाई n स्क्वायर. एंड नीचे इसमें जब n क्यूब आप कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 7 बाई n क्यूब. ठीक है. n क्यूब से n क्यूब गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 3 बाई एन स्क्वायर जीरो हो गया, 7 बाई एन क्यूब जीरो हो गया, तो बचा क्या? अंडर रूट 2 बाई 5, जो कि क्या है? नॉन जीरो फाइनाइट है. ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट है. तो अब कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा? समेशन वी एन अगर डाइवर्जेंट तो समेशन यू एन भी डाइवर्जेंट, समेशन वी एन अगर कन्वर्जेंट तो समेशन यू एन भी कन्वर्जेंट. अगर आपने हमारा ये नहीं देखा है वीडियो, तो इसे प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, उसमें और अच्छे से बताया गया कंपैरिजन टेस्ट वगैरह के बारे में. तो यहाँ पे क्या हो गया
कि हेंस एज समेशन वी एन, मतलब समेशन वन बाय एन का पावर, वन बाय एन का पावर हाफ। अब देखिए पी टेस्ट क्या कहता है कि अगर वन बाय एन का पावर पी अगर लेस देन और इक्वल टू वन है तो डाइवर्जेंट होगा, तो पी के जगह पे हाफ है तो ये क्या है, डाइवर्जेंट है। और कंपैरिजन सीरीज कहता है कि अगर समेशन वी एन डाइवर्जेंट है तो समेशन यू एन भी जो होगा डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ से ये जो आपका सीरीज है ये डाइवर्जेंट हो गया। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, तो ये तो डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट है तो उसको नहीं लेंगे। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो है उसको चेक। तो भैया ऑप्शन ए तो डाइवर्जेंट आ गया, अब ऑप्शन बी की बारी है। तो ऑप्शन बी में यू एन आपका क्या है, एन प्लस वन का पावर एन अपॉन एन का पावर एन प्लस थ्री बाई टू, तो आप चूज कीजिए वी एन, चूजिंग वी एन। तो वी एन में क्या करते हैं, इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा एन का वो ले लेते हैं, तो एन का पावर एन एंड अपॉन यहाँ पे तो खुद ब खुद है हाईएस्ट पावर के रूप में, तो ये चीज़ मिल गया। अब यहाँ पे क्या है एन का पावर एन और ये क्या है एन का पावर एन, और इसको लिख सकते हैं हम एन का पावर एन इंटू एन का पावर थ्री बाई टू लिख सकते हैं ना, ये प्लस में है पावर तो इस तरीके से। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया वन बाई एन का पावर थ्री बाई टू। अब यहां से क्या है कि अगर इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट आ गया तो समेशन वी एन ही डिसाइड करेगा कि समेशन यू एन क्या होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन क्या है भैया, एन प्लस वन का पावर एन अपॉन एन का पावर एन प्लस थ्री बाई टू एंड अपॉन वी एन क्या है वन बाय एन का पावर थ्री बाई टू। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर ही लिख देते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एन प्लस वन का पावर एन एंड अपॉन एन का पावर एन इंटू एन का पावर थ्री बाई टू एंड इंटू एन का पावर थ्री बाई टू अपॉन वन। इससे ये गया, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है, ठीक है तो इससे ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस वन का पावर एन एंड अपॉन एन का पावर एन, तो इस पूरे को एक ही साथ लिखो ना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड एन प्लस वन बाई एन का पावर एन। अब ये क्या हो गया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन से एन गया वन प्लस वन बाई एन का पावर एन जो कि होता है ई, ठीक है। और ई आपका क्या है नॉन जीरो फाइनाइट है। अब ई नॉन जीरो फाइनाइट हो गया तो कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा, ई आपका नॉन जीरो फाइनाइट हो गया, फाइनाइट लिखे हैं नॉन जीरो फाइनाइट, तो कंपैरिजन टेस्ट से अब क्या होगा, तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा, समेशन वी एन अगर कन्वर्जेंट होगा तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, समेशन वी एन अगर डाइवर्जेंट होगा तो समेशन यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। तो नाउ एज समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन वन बाय एन का पावर थ्री बाई टू इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट हो गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पी है थ्री बाई टू ये तो ग्रेटर देन वन है, इसीलिए आपका ये जो यू एन वाला है तो समेशन यू एन जो है ये क्या हो जाएगा इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि समेशन यू एन आपका कन्वर्जेंट है। तो हाँ बी सही आंसर है, लेकिन एक से अधिक सही हो सकते हैं, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा किसको, अब हमें ऑप्शन नंबर सी को भी चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें ये ऑप्शन नंबर सी को चेक करने की आवश्यकता है, यू एन आपका है साइन वन बाई एन अपॉन एन, सो वी शैल टेक वी एन व्हाट इन द न्यूमेरेटर इट इज वन बाई एन विच इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एन एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज एन, सो वी शैल टेक वन बाई एन स्क्वायर। ओके नाउ अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट आएगा तो इन दैट केस समेशन यू एन एंड समेशन वी एन साइमल्टेनियसली कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट होंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। सो नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इज व्हाट साइन वन बाई एन एंड व्हाट इज आवर वी एन वन बाई एन स्क्वायर।
So it becomes what? Limit n tends to infinity sine 1 by n upon n into n square by n. So n से, sorry, n square by 1. तो n से ये गया. अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे. Limit n tends to infinity sine 1 by n upon 1 by n. कैसे लिखा? n था ना यहाँ पे, तो n को हम 1 by n लिखेंगे तो फिर वापस से यही हो जाएगा. अब इसके पीछे क्या रीजन है? तो मान लेते हैं कि let 1 by n is equals to h, then as n tends to infinity 1 by n tends to 0, that is h tends to 0 हो जाएगा. अगर 1 by n को h ले लेंगे तो अगर n infinity पे जा रहा है तो 1 by n 0 पे जाएगा, मतलब h 0 पे जाएगा. तो इस पूरे को अगर हम h के टर्म में रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 sin h upon h, जो कि क्या होता है? 1 होता है. sin h upon h जो कि 1 होता है. तो यहां से ये आपका क्या आ गया? 1 आ गया, जो कि नॉन जीरो फाइनाइट है. तो इसीलिए समेशन vn ही ये डिसाइड कर देगा कि समेशन un क्या होगा. और समेशन vn क्या है? समेशन 1 by n square. यहां पे p greater than 1 है तो समेशन vn convergent, तो समेशन un भी क्या हो जाएगा? convergent हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से हमने देख लिया कि ये लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है और समेशन, सिंस समेशन vn क्या था? समेशन 1 by n square is convergent. Therefore, by comparison test, summation vn is convergent. तो यहाँ से आपने देखा कि ये भी convergent हो गया. तो B and C is the correct option. B and C is the correct option for this question. तो अभी तो ये problems on P-test and comparison test चल रहा है. JAM और NBHM का ये दो problem हमने discuss किया. और भी जितना भी मतलब NBHM, JAM और NET के इतिहास में जो भी क्वेश्चन इस सीरीज पे, इस टेस्ट पे आया है या आया होगा, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे एक जनरलाइज्ड स्ट्रेटजी के साथ. उसके बाद आएंगे डीआर लंबर्ट रेशियो टेस्ट पे. जब पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट का जुगलबंदी काम करना बंद करेगा तो फिर डीआर लंबर्ट साहब और रैब्स साहब आएंगे और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, सब्सक्राइब भी कर लें और देखते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद.